अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अली है और आज हम बात करेंगे कि बर्ड्स की जो आई इन्फेक्शन है ये किन वजूहात की वजह से होती है और इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। अब देखिए, बर्ड की जो आई इन्फेक्शन है इसकी एक वजह ये होती है कि बर्ड की आँख चुभ जाती है किसी वजह से, या आपने जो माहौल दिया हुआ है वो माहौल इतना साफ नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वो गंदी जगह की वजह से भी हो सकता है और वो पोल्यूटेड एयर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बर्ड्स आपस में लड़ते हैं उस वजह से भी होता है। इसके अलावा अगर आपको आँख के अंदर जो है एक झिल्ली महसूस होती है और आप काफ़ी सारी जो नॉर्मली ट्रीटमेंट लोग बताते हैं वो करते हैं तो आँख ठीक नहीं होती, तो वो फिर फ्लू की वजह से होती है। उसके अलावा जो है ऑब्वियसली क्लाइमेडिया सिटासस की वजह से भी आँख खराब हो सकती है, इवन फ्लू की वजह से या क्लाइमेडिया सिटासस की वजह से, जिसको पैरेट फीवर भी कहते हैं, आँख काफ़ी ज़्यादा स्वेल भी कर जाती है। लव बर्ड में एक और वजह से भी आँखों का प्रॉब्लम आता है जिसको पॉक्स कहते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती। अब देखिए, अगर तो आँख आपकी चुभ गई है, ठीक है, किसी चीज़ के साथ बर्ड टच हुआ या बर्ड लड़े, तो उस वजह से आप जो है उसको अगर नॉर्मल जो आई ड्रॉप्स मिलते हैं या आई ऑइंटमेंट मिलती हैं उनको आप यूज़ करेंगे तो आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। दूसरा कि अगर सपोज आपका बर्ड कोई आप बाहर से इन्फेक्टेड बर्ड लेके आए थे जिसकी आँख खराब थी, वो आपने ला के छोड़ा, उसने कहीं अपनी आँख वगैरह रब की, दूसरे बर्ड ने उस जगह पे रब की, तो उसकी आँख खराब होगी, उसको भी आप ऑइंटमेंट से या आई ड्रॉप से ठीक कर सकते हैं। या फिर आपके जो स्टिक्स वगैरह हैं, बॉक्सेस वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, या आपका शेड बहुत ज़्यादा गंदा है, स्पेशली जब जैम पैक हुआ होता है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, अमोनिया गैस इकट्ठी हो जाती है उनके अपने वेस्ट की वजह से, अगर और कुछ हो ना हो उनके अपने वेस्ट की वजह से जो सीड पड़ा होता है वो कई दफ़ा उसके अंदर जब एडअप होता है तो फिर वो एक गैस इकट्ठी होती है, उसको अमोनिया गैस कहा जाता है, और उसकी वजह से भी आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप उसकी ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स के थ्रू या आई ऑइंटमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। अब सपोज फ्लू की वजह से है तो फिर आपको फ्लू की ट्रीटमेंट करनी है। अब फ्लू की वजह से किस तरह से आपने पिक करना है, देखें जब आंख चुभी होगी तो आपको शायद आंख के अंदर पानी नजर आएगा लेकिन आपको आंख के अंदर झिल्ली वगैरह नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर फ्लू की वजह से है तो आपको आंख के नीचे वाले एरिए में या ऊपर वाले एरिए में से कहीं से एक झिल्ली व्हाइट कलर की या येलो कलर की जो है आती हुई नजर आएगी, जिस पे शायद कभी कभार रेड सा लिक्विड भी मौजूद हो सकता है जो बेसिकली फ्लू की वजह से होता है। जब तक आप फ्लू की ट्रीटमेंट नहीं करते या बर्ड का फ्लू ठीक नहीं होता तो आपका बर्ड जो है वो उस चीज़ से रिकवर नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको बर्ड की फ्लू की ट्रीटमेंट करनी है। और मैं इधर पोस्ट भी कर दूंगा, सरसरी सा बता भी देता हूँ, पहले मैं बताऊँ कि मैं कौन सा आई ड्रॉप यूज़ करता हूँ। मैं मेथाक्लोर आई ड्रॉप यूज़ करता हूँ अगर दूसरे वाले प्रॉब्लम्स हो, और अगर फ्लू हो तो टाइलोफर्सन, कोट्रिम और रेजेक्स, इनका मिक्स मैं इसका चार्ट इधर या इधर शेयर कर दूंगा जिससे आप देख सकें कि उसमें क्या है और आपने उसको किस तरीके से यूज़ करना है। मैं फ्लू पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि फ्लू की ट्रीटमेंट आपने किस तरीके से करनी है। अब वो उसमें आपने उनको जो है यूज़ करना है और वो बर्ड को देना है, इंशाल्लाह आपका बर्ड रिकवर हो जाएगा। अब अगर सपोज क्लाइमेडिया सीटासस की वजह से तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। अगर सपोज इसके अलावा सॉरी फ्लू में एक और चीज़ जो मैंने यूज़ करके देखी है, थोड़ी सी उसको मैंने इफेक्टिव पाया है, वो कमाल लेबॉरेटरीज की मेडिसिन है राइजा। कोशिश करूंगा अगर मुझे उसकी पिक्चर मिले तो वो भी मैं पोस्ट कर दूँ, वो भी फ्लू में काम करती है लेकिन वो थोड़ी सी स्लो है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो काम करती हैं लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मैं बात कर रहा था कि पॉक्स जो लव बर्ड्स के अंदर पॉक्स हो जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली औकात जो है मॉस्किटो बाइट्स की वजह से होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए आपको पॉक्स की मेडिसिन आती हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है। मैंने अभी तक कोई मेडिसिन टेस्ट आउट नहीं की इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आप लोगों से वही चीज़ शेयर करता हूँ जिस बारे में मुझे पता होता है कि हाँ ये चीज़ काम करती है। तो मैं आपको मेडिसिन नहीं सजेस्ट करूंगा, बट पॉक्स की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो इम्पोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, एलोपैथिक भी हैं। आप उनमें से जो आपको कोई बताए या कोई सीनियर बताए, ऑथेंटिकेटेड सीनियर बताए या कोई वेट बताए, तो आप उसकी बात मान के वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख्याल करें कि मेडिसिन इस तरीके से यूज़ करें कि बर्ड पे इफेक्ट ना हो। इंशाल्लाह इसी तरीके की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।